2018 की विदाई और नए साल के वेलकम की तैयारियां भरोसे दिखने लगी हैं। अब से चंद घंटे बाद नए साल का आगाज होगा, इसे लेकर शहरों में क्रेज कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, हॉल और कई अन्य स्थानों पर विशेष तैयारियां चल रही हैं। देश के सभी हिस्सों में लोग इस लम्हे को अपने तरीके से खास बनाने में लगे हुए हैं। 31 दिसंबर यानी सोमवार को रात 12 बजते ही पूरा देश नए साल के जश्न में डूब जाएगा। 31 दिसंबर को कहीं डीजे की धुन पर लोग थिरकेंगे तो कहीं लाइट म्यूजिक पर डिनर के साथ जश्न मनाएंगे। युवाओं ने ग्रुप में पार्टी मनाने की तैयारी की है तो वहीं कपल्स शहर के प्रमुख होटल में आयोजित पार्टियों और डिस्को क्लब में शिरकत की तैयारी में हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने पहले से ही रेस्टोरेंट में बुकिंग कराना शुरू कर दिया है ताकि धूमधाम से पार्टी मनाई जा सके। किसी ने पूरा हॉल बुक करा लिया है तो किसी ने अपने परिवार के लिए। ग्राहकों को लुभाने के लिए फास्ट फूड की शॉप से लेकर रेस्टोरेंट सभी ने सजावट कर ली है। न्यू ईयर पर अगर आप पूरी रात डीजे की धुन पर थिरकना चाहते हैं और खाते पीते हुए नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिल्ली के पॉपुलर नाइट क्लब रात के 1 बजे तक खुले रहेंगे। आपकी शाम यादगार बने इसके लिए कई स्पेशल पार्टी, कॉन्सर्ट और इवेंट आयोजित किए गए हैं जिसमें 4,000 से 20,000 रुपए के पैकेज शामिल है। एक और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी की जा रही है, वहीं इसमें किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े इसके लिए राज्यों में विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सड़क पर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए या हुड़दंग मचाते हुए कोई दिखा तो उसे सीधा हवालात भेज दिया जाएगा। दिल्ली में पुलिस न्यू ईयर के धमाल पर तीसरी आंख से नजर रखने को तैयार है तो अब बस कुछ ही समय बचा है जब पूरा देश न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में डूब जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।